आपने पिछले एपिसोड में देखा कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बना के बोला। आप तक वीडियो नहीं देखा, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, आप देख लें। क्या आपको पता है कि चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, और हमसे चंद्रमा हर साल 1.1 इंच दूर हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सौरमंडल में कम से कम 135 चांद और है, लेकिन किसी पर जीवन का अस्तित्व नहीं है सिवाय पृथ्वी के। पृथ्वी पर जीवन संभव है तो सिर्फ चांद के कारण। कैसे हुआ? ऐसे जब पृथ्वी से थिया नाम का ग्रह टकराया तो धरती 23.5 डिग्री तक झुक गई थी, और अगर उस समय चांद ना बना होता तो यह फिर से सीधी हो जाती। चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही धरती अब तक झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण धरती पर अलग अलग तरह का मौसम पाए जाते हैं। यदि चांद ना होता और धरती सीधी हो जाती तो दिन और रात दोनों बराबर यानी 12 घंटा के होते। कई ग्रहों पर ऐसा होता है। बुध और मंगल, मंगल ग्रह के दो चांद हैं, लेकिन उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी कम है जिसमें मंगल ग्रह का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से वहाँ कोई भी मौसम नहीं पाया जाता है। बुध ग्रह का भी कोई चांद नहीं है, इस वजह से वहाँ भी मौसम नहीं पाया जाता है। इतना ही नहीं, जब धरती अस्तित्व में आई तो उस समय 6 घंटे के दिन रात होते थे। जब चांद अस्तित्व में आया था तो उस समय पृथ्वी और चांद की दूरी लगभग 22,000 किलोमीटर था, जबकि आज यह लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। लगभग हर 24 घंटे में चांद की सतह पर 5 टन के धूमकेतु के टुकड़े गिरते हैं। चांद के तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 380 डिग्री सेल्सियस तक होता है। धरती से चांद की दूरी 384400 किलोमीटर है, जो कि धरती की डायमीटर से 30 गुना ज़्यादा है। चांद हमारे धरती से हर साल 1.5 इंच दूर हो रहा है। इसका पता तब चला जब चांद पर एक 18 इंच का रिफ्लेक्टिव प्लेट लगाई गई, जिस पर लेजर पढ़कर वापस आने के दौरान वैज्ञानिकों को यह नतीजा निकल आया। चांद पर अब तक मात्र 12 लोग गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि सब अमेरिकन थे। सन 1972 के बाद कोई भी मनुष्य चांद पर नहीं गया है। लाइक करो वीडियो को, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और शेयर करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।